पनोली खाते खेतर में गौवंश ना कटल बदल खेतर मालिक विरुद्ध गुनो दाखिल करवामां आव्यो हतो। एफएसएल रिपोर्ट में गौवंश होवानो समय आव्यो हतो। पोलीस द्वारा खेतर मालिक सईद कालू दीवान विरुद्ध गौवंश ना कटल नो गुनो दाखिल करायो हतो। 80 किलो गौवंश नो मांस जप्त कर्यो हतो। बे बळद, एक गाय अने एक वाछरडा ने मुक्त करावामां आव्या हता। कुल 36,000 नो मुद्देमाल जप्त करी वधु तपास आरंभी छे। बनावनी विगतो अनुसार गत 21 एप्रिल ना रोज अंकलेश्वरना पानोलीथी रविद्रा गाम तरफ जता मार्ग उपर गौवंशनु कटल करी तेनो निकाल करवामां आवी रह्यो होवानी माहिती गौरक्षके अंकलेश्वर तालुका पोलीस मथकने आपता तालुका पोलीसनी टीम स्थळ पर दौड़ी गई हती, ज्यां पानोलीना सईद कालू दीवान नामना ईसमना खेतरमां गौवंशना अवशेषो मळी आव्या हता। तेमज गौमांस अने कटल करवाना इरादे राखेल बे बळद, एक गाय अने एक वाछरडा मळी आव्या हता। જ્યારે એક કોઠાળા નીચે 80 કિલો ગૌવંશનું માંસ પણ મળી આવ્યું હતું, તેમજ કટલ કરવાના સાધનો પણ મળી આવ્યા હતા, જે અંગે ત્વરિત અસરથી એફએસએલ તેમજ પશુ ચિકિત્સકને સ્થળ પર બોલાવી સ્થળ પીએમ સાથે પોલીસ દ્વારા જરૂરી નમૂના એફએસએલ માટે લઈને મોકલ્યા હતા, જે સંદર્ભે એસએસએલ દ્વારા માંસ ગૌવંશ હોવાનો રિપોર્ટ આવતા પોલીસે આ ખેતર માલિક અને મુખ્ય સૂત્રધાર સઈદ કાલુ દીવાન વિરુદ્ધ आईपीसी धारा 429 प्राणियोंनी सावचेतीना अधिनियमन PA/A धारा 5.6B 8.1 8.2 8.3 8.4 10 कलम हेठळ गुनो नोंध्यो हतो। तेमज सईद दीवाननी धरपकड़ना चक्रो गतिमान कर्या हता।